बागवान भाइयों नमस्कार। बागवान भाइयों, जो आप ये प्लांट देख पा रहे हैं, ये पियर का प्लांट है, पिखम वैरायटी है ये। बागवान भाइयों, इस पियर प्लांट का ये थर्ड ईयर चल रहा है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो हमारा मेथड सेब में चलता है वही इसमें भी चलता है। ये देखिए, इसमें कहीं भी कट नहीं है, कहीं भी शूट कोई भी परे नहीं उड़ाया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास पीछे को प्लांट है, परे को भी प्लांट है, और आप देख पाएंगे कि इस साइड को भी प्लांट है। तो मेरे पास ब्रांचेस को बनाने के लिए जगह नहीं है, तो जितना भी इसमें वाटर शूट जो भी पियर में आप देख पा रहे होंगे निकल रहा है, उसको मैं उतना ही बना रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ढाल है, आगे भी जगह नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ब्रांच आपको आगे बनानी है। ये देखिए आप, 3 से 4 फुट की ये ब्रांच है, और मैंने वहीं स्टॉप कर दिया है। और आप इसमें बीम भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें स्प्राउट हुए हैं। और इस साल इसमें 2023 में इसमें फ्रूट्स भी लगे थे दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये भी वाटर शूट ब्लॉक कर दिए है सारे। ये देखिए आप, ये सारे ब्लॉक है दोस्तों, जो ये रहे हैं इसमें रिंगे निकली है, तो इसको मैं रिंगों से ही काटूंगा। ये देखिए इस प्रकार से, और इसको भी मैं ब्लॉक कर दूंगा, हर वाटर शूट को ब्लॉक कर दूंगा मैं इसी सराउंडिंग में। 3 से 4 फुट के सराउंडिंग में इसमें जो भी वाटर शूट निकलेगा सबको मैं बीम में कन्वर्ट करूंगा, कुछ भी परे नहीं उड़ाऊंगा रॉयल में, जैसे मैं प्रोनिंग करता हूं। और इसको ऊपर में 20-25 फुट ले जाऊंगा नाशपाती को, और मात्र इसका जो गोलाई का दायरा है वो 3 से 4 फुट में ही बनाऊंगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ भी इसमें रिंग निकली है, तो इसको मैं रिंग से काटूंगा। इसमें भी रिंग निकली है, इसको भी मैं रिंग से काटूंगा। ये मैन गया है, इसको भी मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, ब्लॉक कर दिया है मैंने। पिखम में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों। हेड बैग में एक सिर्फ इसमें कहाँ दे रहा हूँ, चोटी में, हेड बैग चोटी में इसमें दे रहा हूँ मैं। और ये हमने प्रोनिंग कर दी है, यहाँ यहाँ से रिंग से काट लेंगे, इसको भी यहाँ से रिंग से काट लेंगे। ये देखिए आप, ये वाटर शूट जो निकला था, और ये है, इसको भी हम रिंग से काट लेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको भी ब्लॉक कर देंगे। ये देखिए आप, ये ब्लॉक्ड है दोस्तों, लास्ट ईयर ये ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर जिस प्रकार से देख पा रहे होगे, लास्ट ईयर रिंग कट मारा है। ये वाटर शूट अब खुद पर खुद बीम में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम इसको भी रिंग से काटेंगे, इसको भी रिंग से काटेंगे, और इसको भी यहाँ से रिंग से काटेंगे, इसको भी। और इसमें आप नेचुरली देख पा रहे हो कि बीम बने हैं। ये मैंने इसकी प्रोनिंग कर दी है दोस्तों, इस पियर पिखम की नाशपाती की मैंने प्रोनिंग कर दी है। ग्रोथ कहाँ दी है, चोटी में। बाकी सारी मैंने जो है ये ब्रांचेस पूरी कर दी है। एक तो दोस्तों, आपके कहीं भी इसमें जख्म या कैंची नहीं है, मेन स्टेम में हो चाहे ब्रांचेस में हो, कहीं भी कैंची नहीं है। और आप इसमें बीम की स्प्राउटिंग भी देख पा रहे हैं, किस प्रकार से बीम इसमें निकला है। पिखम की एक खासियत है दोस्तों कि सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ अगर किसी पियर की है तो वो पिखम पियर की है। और साइज में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट इसमें होता है, बहुत अच्छा साइज आता है, और बहुत अच्छी पियर जो है, पियर फ्रूट जो है आपको मिलता है। और शेल्फ लाइफ ज्यादा होने की वजह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और इसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। तो आप इस प्रकार से अगर बनाना चाहते हैं अपने पियर के प्लांट को, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह है ब्रांचेस को बनाने के लिए, तो आप ब्रांचेस भी बना सकते हैं। प्रोनिंग से दोस्तों आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने इसको ब्रांच बनाना था तो आप इसको ब्रांच बनाते, और अगर आपने ब्रांच नहीं बनानी है, जैसे मैंने नहीं बनानी है, तो मैंने इसको बीम में बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक और कन्वर्ट कर दिया है। अब इस पर जो भी ग्रोथ और जो भी न्यूट्रिशन आएगी वो सारी बीम्स की ओर जाएगी, और बीम इतना स्ट्रांग होगा कि फसल टूटने के चांस जो है मिनिमाइज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएंगे, और बहुत रेयर ऐसा होगा कि इसमें क्रॉप नहीं आएगी, वो अलग बात है। जब इसकी सेटिंग होती है पिखम की, तो आपको थिनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी सेटिंग इसमें होती है। और एक बात और है दोस्तों कि ये इस प्रकार से मैं तभी बना रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है, और ऐसी ऐसी मैंने 1000 प्लांट्स जो है पियर के तैयार कर दिए है, कहाँ कहाँ ऐसी जगह में जहां पर
आप प्लांट नहीं लगा सकते हो, मैंने झावल से कैथ लगा करके उसमें कलमे की है, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी ऐसी पियरे लगी है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में जिसको बील बोलते हैं, या अगला कोना जो खेत का होता है लास्ट का, उसमें आप ऐसी पियरे लगा करके आप प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।